प्रदेश के गाजीपुर से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। मर्दहे थाना क्षेत्र में मऊ से बारातियों को लेकर जा रही बस पर हाईटेंशन तार गिर गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही हैं। वहीं 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं आंशिक रूप से घायल 5 लोगों का PSC में इलाज चल रहा है। इस हादसे में बस में आग लग गई। बस में सफर कर रहे लोग हाईटेंशन तार के झटके से झुलस गए। यात्रियों से भरी बस से आग की लपटें काफी समय तक उठती रही। वहीं करंट के कारण लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत हुई। वहीं मौके पर अधिकारियों को भेजा गया है। मामले की जानकारी सरकार के स्तर पर भी ली जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस में यात्री भरे हुए थे। बस पर तार गिरने के बाद बस में आग लग गई। करंट का प्रवाह रोकने के बाद किसी प्रकार लोग निकले। अचेत लोगों के आग में जलने की भी बात कही जा रही है। वहीं अभी भी इस मामले में कई लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने भी दर्दनाक दास्तां कही है। फिलहाल गाजीपुर में भीषण हादसे का CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान देने का ऐलान किया है। साथ ही निःशुल्क उपचार कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है।